आज इस लीला कथा में आप श्रवण करेंगे कि लड्डू गोपाल अगर आप रख रहे हैं तो किन किन बातों का विशेष ध्यान दें और लड्डू गोपाल अपने भक्तों के ऊपर कैसे कृपा करते हैं। हम कितना भी चाह लें कि हम अपने घर में लड्डू गोपाल ले आए रख लें, लेकिन वो आ नहीं सकते जब तक उनकी कृपा नहीं होती है। और ना चाहे के भी अगर लड्डू गोपाल की कृपा होनी है, आपके घर आने हैं, तो वो कैसे भी करके आ जाते हैं। लड्डू गोपाल जो हैं बहुत ही दयालु हैं, बहुत ही कृपालु हैं, बहुत कृपा करते हैं अपने भक्तों के ऊपर। और जिसने भी लड्डू गोपाल, जिसके घर पे भी लड्डू गोपाल हैं, वो इस बात को महसूस करते होंगे, उनको ये अनुभूतियाँ होती होंगी। कोई ना कोई अनुभूति लड्डू गोपाल ज़रूर कराते हैं। और जीवन में भक्त की कोई भी संकट हो, कोई भी परेशानी हो, वो हर परेशानी हर संकट को लड्डू गोपाल दूर करते हैं। कब दूर करते हैं? जब उनके साथ आप जुड़ेंगे, जब उनके साथ आप उस भाव के साथ जुड़ेंगे, किसी रिश्ते के साथ जुड़ेंगे, तब आप और आपके लड्डू गोपाल का संबंध इतना प्यारा हो जाता है, इतना प्यारा रिश्ता हो जाता है कि हर परेशानी हर मुसीबत की जिम्मेदारी उनकी हो जाती है। फिर आप छोड़ दो। और लड्डू गोपाल की सेवा में ना एक चीज़ और है, आप कभी भी लड्डू गोपाल की सेवा करिए तो उनसे किसी चीज़ की चाह करके मत करिए। वो तो सब जानते हैं, उनको कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं। बस उनको आप प्यार करिए, लाड़ लड़ाइए, जितनी सेवा हो सकती है आप उनकी सेवा करिए। लेकिन किसी लालच में या कि किसी चाह के बस अगर आपने किया ना, तो ना तो आपको वो अनुभूति होगी और ना ही जो आप चाहते हैं। भगवान करे हर इंसान की इच्छा पूरी हो, लेकिन कभी भी भगवान के साथ किसी चाह के साथ मत जुड़िए, किसी इच्छा के साथ मत जुड़िए। बस उनको निस्वार्थ प्रेम करिए, क्योंकि जो निस्वार्थ प्रेम करते हैं ना भगवान को, वही भक्त प्यारे होते हैं। और फिर तो उनकी कृपा ऐसी बरसती है कि आप जो सोचे भी नहीं होंगे वो भी मिलता है। ऐसे ही हुआ ये आरती जी के साथ। आरती जी दिल्ली में रहती हैं, जिन्होंने कि ये घटना शेयर की। वो कहती हैं कि मेरी जॉब थी और मेरा जो शेड्यूल है बहुत बिजी है, बहुत बिजी लाइफ चलती है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं अपने घर में लड्डू गोपाल लेके आऊँगी या कि मेरे घर में कभी लड्डू गोपाल आएंगे, क्योंकि मैं इतनी बिजी रहती हूँ, मैं कर भी नहीं पाती उनकी सेवा। और मैंने सुना था कि उनकी सेवा करना बड़ा मुश्किल है, उनको एक बच्चे के भाव में सेवा की जाती है, बार बार उनका भोग लगाया जाता है, तो इतना तो मेरे से हो नहीं पाता, क्योंकि सुबह 10 से 6 मेरी ड्यूटी होती है, तो मैं कैसे कर पाती। लेकिन फिर भी लड्डू गोपाल मेरे घर आए। और वो कैसे आए कि बीच में इनके जो हस्बैंड थे, इनकी जॉब छूट गई हुई थी, और वो भी जॉब इतनी अच्छी जॉब थी और 6 महीने के लिए जॉब छूटी। ऐसे नहीं कि इंटरव्यू देते थे और होता नहीं था, सब कुछ हो जाता था, लेकिन लास्ट में पता नहीं क्या होता था कि इनको मतलब ज्वाइन कर ही नहीं पाते थे ऑफिस। तो 6 महीने ऐसे ऐसे हो गए। और दिल्ली जैसे शहर में रहना, और अभी उनका मकान नहीं था, रेंट में रह रहे थे, तो किराया भी देना था। तो वही होता है ना कि आप चाहे जॉब करें, पैसे आए या ना आए, लेकिन जो आपका महीने का खर्च है वो तो आपको देना ही पड़ेगा। वो खर्च आप नहीं रोक सकते हैं, खाना पीना बंद नहीं कर सकते हैं, रेंट देना आप बंद नहीं कर सकते हैं, नहीं तो जो भी मकान मालिक होगा वो निकाल देगा। तो जो भी उनकी जमा पूंजी थी वो ख़त्म होने मतलब ख़त्म ही होने वाली थी, क्योंकि 6 महीना बहुत टाइम होता है। और अभी आरती जी जॉब नहीं करती थी उस टाइम पे, आरती जी की शादी होके 1-1.5 साल ही हुए थे। आरती जी ने सोचा भी नहीं था जॉब के लिए, लेकिन जब उनके हस्बैंड की जॉब छूटी और इतना मुश्किल वाला टाइम आया, तब उन्होंने सोचा कि मुझे भी जॉब करना चाहिए, मुझे भी ट्राई करना चाहिए जॉब के लिए। लेकिन उसी बीच क्या होता है कि इनकी फैमिली में शादी का फंक्शन होता है रिश्तेदार में, तो ये अपने आई होती हैं मायके और इनके हस्बैंड भी आते हैं। तो ऐसी बातों में इन्होंने अपने घर में बताया कि इनकी जॉब छूटी हुई है और पता नहीं क्या हो रहा है, जॉब लग ही नहीं रही है, बहुत परेशान है, बहुत जो भी जमा पूंजी थी वो भी ख़त्म हो रही है, क्योंकि रेंट तो देना ही है, खाना तो खाएंगे ही, घर का जो खर्च है वो तो चले, और ये होता ही है चाहे आपकी इनकम हो या ना हो, लेकिन आपका जो रोज का खर्च है, घरेलू खर्च है, वो तो खर्च होगा, वो तो रुकने वाला नहीं है। तो
उनके लास्ट लास्ट सब कुछ खत्म होने होने लगा था, लेकिन इतने में वही होता है ना कि जब भगवान कृपा करते हैं ना कोई माध्यम बनाते हैं। तो वहाँ पे जो उनकी दादी थी, वो दादी जो थी वो भगवान की सेवा करती थी, और भगवान का, और जो बड़े बुजुर्ग होते हैं ना उनको भगवान में बहुत विश्वास होता है, और कहते हैं विश्वास ही फलता है और कुछ नहीं। देखो ये भगवान जो होते हैं वो मूर्ति होती है, लेकिन मूर्ति में जान कौन डालता है, भक्त। भक्त और भगवान का जो रिश्ता होता है, जब हम भक्ति में उतर जाते हैं ना, जब भक्ति हम करने लगते हैं, तो फिर वो जिसकी भी हम सेवा करते हैं, चाहे वो लड्डू गोपाल हो, चाहे वो दुर्गा जी हो, चाहे शिव जी हो, हम उनको मूर्ति समझते हैं। हम ये तो समझते ही नहीं कि ये मूर्ति है, तो हम तो भगवान साक्षात हमारे मन में तो ये रहता है ना, ये इष्ट है, ये भगवान है, ये साक्षात विराजित है। तो वही वही भाव जब हम देते हैं तो भाव से ही भगवान प्रकट होते हैं, और भाव अगर भाव है भगवान के प्रति, विश्वास है ना, तो वो चीज़ पूरी होती है। अगर विश्वास नहीं है आपको भगवान के ऊपर, तो आप कितनी भी पूजा कर लो, कितना भी वो कर लो, अगर आप डगमगाओगे कि होगा नहीं होगा, होगा कि नहीं होगी, तो वो चीज़ कभी आपकी नहीं होती है। और भगवान में अगर पूर्ण विश्वास के साथ करोगे ना, तो वो चीज़ जरूर होती। कोई भी इच्छा हो, कुछ भी हो, कोई भी आपने वो किया हो भगवान के लिए, तो वो जरूर आपकी इच्छा पूरी होती है। तो क्या होता है कि जब ये बताती है दादी से, कि दादी दादी ने जब सुना इसकी बात, तो दादी कहती है कि देख बेटा, तू मानेगी तो है नहीं मेरी बात, लेकिन अगर मानना हो तो मैं एक बात बोलूं तेरे से। तो बोलती हैं आरती जी कि हाँ दादी बताओ ना क्या बात है, तो क्यों नहीं मानूंगी, ऐसा क्यों बोल रही है, मतलब बात करती है वो दादी से। तो दादी कहती हैं कि देखो, मैं जो बोलूंगी अगर तुझे वो करना हो, तो एक काम कर ले कि घर में अपने लड्डू गोपाल ले आ, और लड्डू गोपाल की जो सेवा करते हैं ना, उनको पूछ मत कि उनके ऊपर कितनी कृपा होती होती है, और तेरी जो भी परेशानी है, चाहे वो जॉब छूट गई हो, जो भी परेशानी है, घर में आते साथ लड्डू गोपाल की ना, ये सोच कि साक्षात लक्ष्मी उनके साथ चलती हैं। तो ऐसे जब वो दादी बताती हैं, तो ये जो आरती है बहुत खुश हो जाती है, और कहती है कि हाँ दादी, मैं भी ज़रूर लड्डू गोपाल को रखूँगी घर में और सेवा करूँगी। फिर दादी से वो पूछती है कि दादी कैसे सेवा कर पाऊँगी, ले तो आऊँ। उसको एकदम से याद आता है कि क्या पता मैं कर पाती हूँ कि नहीं कर पाती। तो वो बोलती हैं कि देख, अभी मैं तेरे को बोली हूँ कि लड्डू गोपाल की सेवा कर ले, लेकिन वो तेरे घर तभी आएंगे जब उनकी इच्छा होगी। अगर उनकी इच्छा होगी तेरे से सेवा लेने की, तो वो आ जाएंगे, और तू बिल्कुल चिंता नहीं कर। उनकी सेवा, लोग कहते हैं ना कि बड़े मुश्किल है, कोई मुश्किल नहीं है, उनको सिर्फ भाव के साथ सेवा करो, उनके इतना मतलब उनके साथ इतने प्रेम से जुड़ो, उनके साथ एक बच्चे के भाव से जुड़ो, तो वो तो फिर पूछ नहीं कि वो कैसे दे इतनी कृपा करेंगे। ऐसे करके जब वो दादी समझाती हैं, तो फिर उसके मन में बड़ी खुशी हो जाती है। बस उनको जो ये थी आरती जी थी, उनको लगता है कि बस अब भगवान कृपा करेंगे ही। और कुछ दिन के बाद ही वो अपने घर आती हैं, और घर में लड्डू गोपाल मतलब ले आती हैं, घर में उनके लड्डू गोपाल आ जाते हैं। अब दोनों पति पत्नी बड़े मन से सेवा करने लगते हैं, बहुत भाव से सेवा करने लगते हैं। फूल माला वाले को रोज लगा लिए, रोज वो फूल माला दे जाता है, सब बहुत अच्छे से भाव से भक्ति से उनकी सेवा करने लगते हैं। और सेवा करते करते 1 महीने भी नहीं हुए थे कि उनके हस्बैंड की इतनी बढ़िया जॉब लग जाती है, जो कि उन्होंने सोचा नहीं था। जितनी सैलरी उनको मिल रही थी, उससे डबल सैलरी उनको जिस जॉब में, ये न्यू जॉब में उनको मिलने लगती है। तो इन्होंने भी वो किया था, अप्लाई किया था जॉब के लिए, आरती जी भी। तो कुछ टाइम के बाद आरती जी की भी जॉब लग जाती, वैकेंसी निकली हुई थी इसकी टीचर की, तो इन्होंने डाला हुआ था, तो उसमें इनका सिलेक्शन हो जाता है। और आरती जी की भी बहुत अच्छी जॉब लग जाती है। वो तो आरती जी ने तो सोचा ही नहीं था, जहाँ पे वो रह रही थी वहीं पे ही पास में ही एक गवर्नमेंट स्कूल है, वहीं पे इनकी जॉब लग जाती है। और
ये जॉब करने लगती हैं। लेकिन देखो भगवान जब कृपा करते हैं ना, दया करते हैं, तो इसी तरीके से दया करते हैं कि जो कि आप जो सोचो ना वो भी मिल जाता है। कब? जब भगवान की दया दृष्टि होती है, उनकी कृपा होती है। आरती ने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी जॉब लगेगी, और वो भी इतनी बढ़िया, पढ़ने में बहुत ऐसे ऐसा ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ हम भगवान की भक्ति करें और पढ़े लिखे ना हो या कि कुछ ऐसा ना करें, और भगवान इतनी कृपा करते हैं, उसके लिए आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी। बिना मेहनत के सफलता नहीं मिलती है। वो ठीक है, भगवान की कृपा, भगवान का आशीर्वाद, लेकिन उसके साथ साथ आपको मेहनत करनी पड़ेगी। बिना मेहनत के कुछ भी नहीं होता है। आप सोचो कि खान भूख लगी है, लेकिन खाना मुंह में आ जाए तो मुंह में खाना नहीं आएगा। जब तक आप थाली परोसोगे नहीं, खाना रखोगे नहीं, मुंह में डालोगे, तब तक कैसे खा पाओगे? तो ऐसे ही होती है भगवान की कृपा, कि मेहनत तो आपको करना पड़ता है। भगवान मार्गदर्शन दे सकते हैं, अपनी कृपा कर सकते हैं, इसी तरीके के आपके विचार अच्छे रख सकते हैं, आपको गलत रास्ते से बचा सकते हैं, बस इतनी कृपा करते हैं। अब क्या होता है कि ये जो आरती जी है ना, इनकी ट्रेनिंग चल रही थी, क्योंकि टीचिंग में अभी ज्वाइन किया था, तो कुछ दिन के लिए इनको जाना था, बाहर जाना था ट्रेनिंग के लिए। तो इनके पड़ोस में इनकी फ्रेंड, बहुत अच्छी फ्रेंड बन गई थी, तो इन्होंने कहा कि क्योंकि हस्बैंड को तो ऑफिस चले जाना था, अभी जब तक घर में थे तब तक तो घर में सेवा हो रही थी, तो इन्होंने सोचा कि लड्डू गोपाल की सेवा कैसे होगी। तो उन्होंने अपनी फ्रेंड से बात की कि तुम कुछ दिन के लिए, 15 दिन की बात है, तुम रख लो अपने घर में लड्डू गोपाल को। तो वो सहेली भी बोल देती है कि हाँ ठीक है, रख लूँगी, तो परेशान मत हो। बहुत अच्छी सहेली थी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन गलती ये हो गई कि उसने कभी सेवा नहीं की थी। और ये जब जाने लगी, आरती जी जाने लगी अपनी ट्रेनिंग के लिए, तो इन्होंने भी उतने ढंग से उसको बताया नहीं था। तो जब ये चली जाती है अपनी ट्रेनिंग के लिए, और आरती की जो सहेली है लड्डू गोपाल को ले जाती है, सुबह शाम का वो भोग लगा देती, लेकिन उसको ये तरीका नहीं पता था कि उनको सुलाना कैसे है, कैसे, क्योंकि ये तभी, ये ना भाव की बात होती है। जब हम उनके साथ किसी रिश्ते में जुड़ेंगे, कोई पुत्र मान के या गुरु मान के, किसी भी रिश्ते के साथ जब जुड़ के हम उनकी सेवा करते हैं, तो हमारे अंदर वो भाव आते हैं। उसने कभी सेवा की नहीं थी, तो उसको ये सब भाव पता नहीं थे। उसने बोला था कि सुबह शाम भोग लगा देना, वो भोग लगा देती थी। बाकी वो उसकी जो सहेली थी, वो अपने रूम में सब सो जाते, एसी चालू कर देते, और भगवान के मंदिर के पास ना तो पंखा, ना कूलर, ना कुछ दूसरे रूम में भगवान बैठे रहते, और पूरा परिवार उनका एसी में सोता था। अब वहाँ ये देखो, जो भक्त होता और भगवान होता है ना, उनका रिश्ता कैसा जुड़ा होता है, कितना अनुभूति कराती है। ये प्रेम जो होता है ना, अंदर से होता है। अगर जैसे कहते हैं ना कि माँ को पता चल जाता है अगर उसका बच्चा तकलीफ़ में है, कष्ट में, आप खुद से लगा लो कि अगर हम दुखी होते हैं ना, तो वहाँ पे हमारी माँ परेशान हो जाती है, उनको बार बार याद आती है, और उसी टाइम पे आपके कई बार फ़ोन आ जाएगा माँ का। उनको ऐसा महसूस होता है कि हमारा बच्चा या हमारी बच्ची बेटी परेशान है। तो इसी तरह भगवान का भी रिश्ता होता है। जब हम भगवान को बच्चे के भाव में सेवा करते हैं ना, तो उनकी भी हमें अनुभूति होने लगती है। ऐसे ही हुआ आरती के साथ। आरती एक दिन सो रही थी, वो रात भर बेचैन रही। ऐसा लगा कि जैसे एक बच्चा बार बार रो रहा हो, और छोटा सा बच्चा है, वो बार बार उठ के बैठती कि मुझे बार बार ऐसा अंदर से एहसास क्यों हो रहा है जैसे कोई बच्चा रो रहा है। वो उठ के देखती, दरवाजे के पास आती, फिर उसको लगता है अरे वहम है, फिर सो जाती। अब दूसरे दिन फिर यही हाल, सोती, इस करवट उस करवट, उसको नींद नहीं आती। उसको बार बार यही मन में लगता कि जैसे कोई बच्चा रो रहा है। 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, मतलब 1 हफ्ते तक उसको ऐसे ही लगा। फिर एक दिन उसको, वो ऐसा नहीं है, पूछ लेती सुबह शाम उससे, अपनी फ्रेंड से, कि लड्डू गोपाल को भोग लगाया, लेकिन उसने भी ये पूछना भूल गई कि लड्डू गोपाल को सुलाती कैसे। ये
अब दूसरे दिन आरती रात में ही फोन करती है और उसकी सहेली सोने ही वाली थी कि वो पूछती है कि सारी बात उसको बताती है कि उसको नींद नहीं आ पा रही, एक बच्चा है जो कि रोता हुआ दिखता है। तो फिर वो पूछती है कि बता लड्डू गोपाल कैसे सो रहे हैं, वो अच्छे से सो रहे हैं ना, ऐसा तो नहीं कि वो परेशान हो और वो दुखी हो। तो वो उससे पूछा कि सुलाती कहाँ है, तो उसकी जो फ्रेंड थी वो बोली कहाँ सुलाती मतलब कहीं वही मंदिर में। तो फिर वो पूछे कि पंखा पंखा चालू है वहाँ, कूलर लगा है, कुछ है उनके लिए व्यवस्था? तो बोली कि यार वहाँ तो एसी है नहीं, एसी तो मेरे रूम में है और कूलर भी नहीं है, पंखे का मुझे ध्यान ही नहीं रहता, देख तूने बताया नहीं था तो मुझे कुछ पता नहीं था। तो ये सुन के तो वो मतलब उनको समझने में देर नहीं लगती कि ये कोई और बच्चा नहीं, ये मेरा बच्चा है, मेरा लड्डू गोपाल है, जो कि इतना दुखी था, इतना परेशान था, रो रहा था इतने दिन से गर्मी की वजह से, क्योंकि इतनी भयानक गर्मी पड़ रही है और सब एसी में सो रहे हैं, वो वहाँ पे गर्मी में। तो ये वो अनुभूति करा रहे थे, ये बता रहे थे कि मैं गर्मी में हूँ, मुझे नींद नहीं आ रही। तो लड्डू गोपाल जो है ना, वो साक्षात आके प्रकट होके कुछ बात नहीं करते हैं, वो इसी तरीके के कुछ संकेत देते हैं, इसी तरीके की कुछ अनुभूति कराते हैं। फिर ये आरती की ट्रेनिंग पूरी हो जाती है, 15 दिन हो जाते हैं, ये वापस आती है, अपने लड्डू गोपाल को लाती है अपनी फ्रेंड के यहाँ से, और फिर उनका विधिवत वैसे ही सेवा करने लगती है, उनसे माफ़ी मांगती है कि हे लड्डू गोपाल माफ़ कर दो, जो भी गलती हुई है जाने अनजाने अज्ञानता बस हुई है, और आज के बाद मैं आपको कभी किसी को नहीं दूंगी, आप घर में रहना, जैसे भी सेवा हो सकेगी मैं जहाँ भी जाऊँगी आपको साथ में लेके जाऊँगी। तो इस तरीके की लड्डू गोपाल की जब सेवा करते हैं ना, तो भगवान हमें अनुभूति ज़रूर कराते हैं, क्योंकि हमारा और भगवान का रिश्ता एक पुत्र और माँ का हो जाता है। तो बच्चा कभी भी परेशान हो वो माँ को पता चल जाता है, और इतने दयालु इतने कृपालु होते हैं लड्डू गोपाल की, लड्डू गोपाल के आते साथ ही सारी परेशानियाँ सारी मुसीबत दूर होती है।